नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे अपने पैरी टू फैमिली। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 का वॉच टाइम पूरा होने के बाद मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अभी मैं इंस्टेंट वीडियो बनाने के चक्कर में फटाफट भूल गया हूँ माइक लगाना। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वॉइस आपको कैसी आ रही है। और चलो जी, अपने काम पे फोकस करते हैं, ठीक है। सो ये रहा लोकनाथ पात्रा जी का चैनल, जो आपको यहाँ हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और सर के चैनल पे 1,000 सब्सक्राइबर्स और 4,000 का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और थर्ड चीज जो है वो है 2-स्टेप वेरिफिकेशन, वो भी हमने यहाँ पे लगा ली है। और फोर्थ चीज जो होती है वो होती है यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस, जो हमने ऑलरेडी सारी चीजें फॉलो करके ही किया है। और लोकनाथ जी ने फुल मोनेटाइजेशन पैक हमसे परचेज किया था, जो कि हमारी एक सर्विस है जिसमें कि ओवरऑल सारा कंटेंट एवरीथिंग हम पूरा करके देते हैं। और उनको एक कंप्लीट मोनेटाइज चैनल हम देते हैं फैमिली। तो 1 महीना पहले सर के चैनल के ऊपर ओवरऑल वर्क शुरू हुआ था, एंड आप आज चीजें चेक कर सकते हैं कि कंप्लीट है ओवरऑल डन। सो अभी हम अप्लाई करने वाले हैं, स्क्रीन पे आप सारी चीजें देख पा रहे हैं। और ये दूसरा हमारा रहा एंड्रॉयड फोन, क्योंकि एंड्रॉयड फोन में बहुत इजीली जो होता है फैमिली सिस्टम ओपन हो जाता है। iOS में थोड़ा सा चीजें परेशान करने वाली, तो इसमें ब्राउजर इतने इजीली आसानी से ओपन नहीं हो पाता है। तो अभी मैं इस फोन पे भी यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाऊंगा। और अगर आप भी सब्सक्राइबर वॉच टाइम जैसे सर्विसेज परचेज करने को इंटरेस्टेड हो, देन एब्सोल्युटली आप हमारी सौरभ चंदेल एप्लीकेशन से जाके परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कर सकते हैं। और कॉल पे बात करना चाहें तो इसके लिए आपको हमारी मेंबरशिप का ऑप्शन मिलेगा सौरभ चंदेल ऐप में। जैसे आप उसको परचेज करेंगे, विद इन 12 to 24 आवर में पर्सनली मैं खुद आपको कॉल करता हूँ, जिसके बाद आप अपनी क्वेरी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अब एक चीज़ ये होगी, अब यहाँ पे भी मैं दूसरे फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे चलाता हूँ। और बेशक वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो जाए, मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो। अदरवाइज एक बार आपके एडसेंस में अगर कोई इशू या कोई प्रॉब्लम आपको फेस आउट हो गई, देन कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। फिर आपको 1,500-2,000 किसी पर्सन को देने पड़ेंगे, तब वो जाके आपका एडसेंस वहां पे सही करने को कहेगा जी, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे हो गई। अब विद प्रूफ सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। हाँ जी, कर लिया। अब आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे, देन नीचे डेस्कटॉप साइट दिख रही होगी, वो सिलेक्ट करनी है। डेस्कटॉप साइट में चीजें जैसे लैपटॉप या पीसी में ओपन होती हैं, सेम उसी तरह से वो चीजें आसानी से हो जाती हैं। हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वॉइस बिल्कुल जीरो करता हूँ, क्योंकि सम टाइम्स चीज़ें कुछ और हो जाती हैं। अब प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, अब योर चैनल के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन लिखा हुआ है, कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे। और हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे जीमेल हैं, तो डायरेक्ट हमें वहाँ से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके फ़ोन में 2 या 3 हैं, तो डायरेक्ट आपको वहाँ पे डन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये ओपन हो गया, डायरेक्ट आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, ये स्क्रीन पे हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो डॉलर का निशान बना है उसके ऊपर हम जाएंगे, और यहाँ पे हमें दिख रहा है अप्लाई नाउ का ऑप्शन। अप्लाई नाउ का ऑप्शन आई थिंक हर एक क्रिएटर का ड्रीम होता है, और बहुत खुशी होती है जब हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम बहुत मेहनत हम सब ने दी होती है इसके ऊपर। और एब्सोल्युटली बनता है यार, मेहनत की होती है तो चीज़ें बनती हैं। अब यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, और नीचे जैसा आपने यहाँ पे देखा, ठीक है जी, कि सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम, ओवरऑल हर एक चीज़ यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अब अप्लाई नाउ करेंगे, सीखना यहाँ पे किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे, जैसे ही आप अप्लाई नाउ, 3 स्टेप्स आपके पास ओपन हो जाते हैं। तीनों स्टेप्स में कितना टाइम लगता है, हर एक बात, हर एक चीज़ यहाँ पे अभी मैं आपको शेयर आउट करूंगा। स्टेप 1 में यूट्यूब की जो टर्म्स, कंडीशंस, पॉलिसीज होती हैं, मतलब आसान भाषा में समझा जाए, यूट्यूब के नियम आप बोल सकते हैं कि हमें फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट के ऊपर जाएंगे, तो देखिए, अंडरस्टैंड द टर्म्स, यूट्यूब यहाँ पे कह रहा है आपको मेरे जितने भी टर्म्स पॉलिसीज हैं आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, है ना जी, कि किस तरह से हमारा मॉड्यूल काम करता है, किस तरह से टैक्सेस कट होंगे, कितना परसेंट हम रखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको जैसे शेयर आउट करूँ, यूट्यूब कितना परसेंट कहता है, यहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पे YouTube ने सारी चीज़ें बताई हैं कि जब आपको स्ट्राइक आएगी कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम आपको मिलेगा, आपके गवर्नमेंट लॉज, एवरीथिंग, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो आपको हर एक चीज़ यहाँ पे बताएगा कि आपको वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी,
है ना। और YouTube का जैसे यहाँ रिवेन्यू शेयर का मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कहाँ जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरऑल हर एक चीज़ है ना, बहुत सारा है सब, इतनी सारी पॉलिसीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। और आसान भाषा में कहा कि सारे रूल्स पॉलिसीज उन्होंने इसमें लिखी है, ताकि बाद में कोई इनको बंदा छेड़खानी करते टाइम ये चीज़ ना कहे कि आपने हमें ये बताया नहीं था जी। तो वो इन्होंने बहुत कहानी लिखी होती है, और जो भी कंपनीज होती हैं ऑलवेज फुल सिक्योरिटी के साथ लेके चीज़ों को आगे चलती हैं। तो वैसे 45-55% का होता है, 55 हमें YouTube देता है, लेकिन आजकल मुझे थोड़ा झोल इसमें लग रहा है कि YouTube इतना नहीं करता है, ये थोड़ी गड़बड़ी इसमें कर रहा है। तो जैसे ही आप इसको डन करेंगे वहाँ पे टर्म्स कंडीशन को ओके करके, आफ्टर आपका स्टेप वन यहाँ पे डन हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर कट एंड आपने यहाँ पे देख लिया। अब स्टेप टू सबसे मेन चीज़ होती है, यही सबसे बड़ी कहानी है इसमें, ठीक है। और इसके बाद में लास्ट में बताऊंगा कि अर्निंग का यूट्यूब 45-55 बोलता है, असल में इतनी क्यों नहीं आती है, इसका एग्जांपल विद प्रूफ मैं आपको लास्ट में दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, तो यहाँ पे स्टार्ट करना है हमें। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे यस, और सॉरी यस तब करना है जब आपको ऑलरेडी एडसेंस बना हो, तो हम यहाँ पे करेंगे नो, वी हैव नो एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो यहाँ पे जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे जो अकाउंट जिसके ऊपर हमें एडसेंस अकाउंट बनाना है उसके ऊपर जाएंगे और उसको सेलेक्ट करके जैसे ही टैप करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, और फिर यहाँ पे आपको करना है नीचे यस, कि जब भी कोई अपडेट्स या कोई भी कस्टमाइजेशन होंगी वो आपको YouTube नहीं Google AdSense टाइम टू टाइम आपको मेल के थ्रू वो चीज़ कन्फर्म करेगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसके बाद नीचे आपका क्या है, आपको करनी है कंट्री सेलेक्ट। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, कंट्री सेलेक्ट होने के बाद हम करेंगे इंडिया, जो हम सभी का देश है, ठीक है। इंडिया से हैं तो इंडिया कर सकते हैं, और सेम यहाँ पे नीचे इनकी जो टर्म्स पॉलिसीज़ हैं वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, कि क्या ये टर्म्स कंडीशंस पॉलिसीज़ कह रहे हैं, किस हिसाब से इनकी चीज़ें हैं, बहुत लंबी कहानी होती है। तो इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप डायरेक्ट एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी चीज़ें इसमें हो जाएंगी, है ना। हाँ जी, ठीक है, ओके जी। तो जैसे ही आप इन चीज़ों को इसमें सेलेक्ट करते हैं, अब इसके बाद मेन चीज़ क्या है, अब ये आ गया फॉर्म। अब ये मेन फॉर्म है जो आपके एडसेंस का मतलब एक नींव होती है किसी भी घर को बनाने की, बैंक इन्फॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स, सब चीज़ें बाद की कहानी है। अब ये चीज़ सही होगी तो सेकंड स्टेप आपका अप्रॉक्स मिनिमम 12 से 24 घंटे के अंदर कंफर्म हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। पैदल जा रहे हो मम्मी जी, छोड़ के आओ। रुको, छोड़ के आता हूँ, 5 मिनट रुक जाओ, आराम से बैठ। तो मम्मी जी जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें होती हैं जो आपके आधार कार्ड पे, क्योंकि समटाइम्स कई बार मैंने देखा है आधार कार्ड में बहुत लोगों की मिस्टेक होती है, तो जो आपका सही एड्रेस है बिल्कुल आपको वो यहाँ पे फिल करना है, जिस भी नाम के ऊपर आप एडसेंस बनाना चाहते हैं। और आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, एक पर्सन की डिटेल के ऊपर सिर्फ एक ही एडसेंस बनता है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हम संपाड़ा पात्रा जी का यहाँ पे बना रहे हैं, तो इनकी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लेके रखी हैं इनसे चैट के थ्रू, यही हमारी फुल मोनेटाइजेशन जो पैक है उसमें ये सर्विसेज हम देते हैं, कि हर एक चीज़ हम खुद यहाँ पे अप्लाई करके देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने डिटोन से हर एक चीज़ लेके रखी है, और मैंने सर से पूछा भी था, सर आपको अप्लाई करने आता है नहीं, तो सर ने कहा कि जी मुझे इतना अप्लाई वगैरह करने नहीं आता है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें जो भी अप्लाई वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं वो खुद हम अपनी तरफ से यहाँ पे कर देंगे। सिंपल सी चीज़ है, आपका जो ओरिजिनल नाम आपके आधार कार्ड पे लिखा है वो आपको फिल करना है, एड्रेस लाइन में जो आपका एड्रेस आधार कार्ड के बैक पे लिखा होता है वैसा ही लिखना है, जहाँ पे जितना कॉमा है वही लगाना है, जितना डैश लिखा है सेम डिटो आपको वैसा ही करना है। पोस्टल कोड आपको जैसे पता है 770051 है ना। समटाइम्स मैंने बिहाइंड द सीन चीज़ें थोड़ा छुपाने की इसमें कोशिश की थी, ताकि किसी की आइडेंटिटी रिवील ना हो, लेकिन सर से ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छे से हैं तो दिखा सकता हूँ मैं, ताकि जितने भी न्यू क्रिएटर हैं उनसे मिस्टेक हो जाती है कई बार कि हमें कितना भरना है। और समटाइम्स इसमें मैं आपको बताता हूँ अभी ना, सबसे पहले मैं इनका ये सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे सिटी में, देखिए सिटी कौन सी है इनकी, तो सिटी मुझे यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी पिन कोड डाल के,
अदरवाइज सर ने मुझे यहाँ पे शेयर आउट की हो, क्योंकि सर से मैंने डिटेल वगैरह ओवरऑल यहाँ पे लेके रखी है। तो अब हम सिटी सिलेक्ट करने का यहाँ पे करेंगे। तो ओडिशा है, सुंदरगढ़ है ना, सुंदरगढ़ है, जैसे मैं पिन कोड कॉपी करूँगा तो ओवरऑल सिटी भी यहाँ पे निकल जाती है, क्योंकि सर ने उसमें नंबर डाला था तो मैंने उस डिटेल को यहाँ से थोड़ा सा कट किया था, क्योंकि नंबर से तो कोई भी कॉल कर सकता है ना जी। तो इस तरह से सिंपली आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन ध्यान रखनी है एक भी वर्ड की मिस्टेक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, है ना जी। जैसे ये है यहाँ पे, ये हो गया 7701, ये आ गया 77501, ये आ गया ओडिशा का, ये आ गया, और जैसे हम सिटी हम पता लगाएंगे सुंदरगढ़, जैसे डिस्ट्रिक्ट आ गए सुंदरगढ़। तो इस तरह से हम सिटी निकाल सकते हैं, जैसे सिटी बोले तो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। और यहाँ पे आई थिंक ये पेज हो चुका है रिफ्रेश, तो यहाँ पे पेज रिफ्रेश होगा तो दोबारा हमें डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करने का यहाँ पे नौ बता चुके हैं। तो डिटेल्स यहाँ पे दोबारा हम फटाफट मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ, और आपको यहाँ पे अप्लाई करके भी विद प्रूफ यहाँ पे चीज़ें बता दूंगा। समटाइम्स ये होता है एंड्रॉयड की चीज़ें हो जाता है, लैपटॉप होता तो मैं आपको ईजीली सारी चीज़ें यहाँ पे करके बता देता, अदरवाइज़ किसी को भी कोई परेशानी इसमें आती है, कोई एरर किसी को फेस आउट हो गया है या कुछ इस तरह से चीज़ें इसमें हो गई हैं, एब्सोल्युटली वो हमें मैसेज करके जैसे यहाँ पे कह सकता है। तो यहाँ पे है सुंदर, SUNDERGARH, सुंदरगढ़ इनकी है, स्टेट इनकी है ओडिशा। बस ये सिंपल सी चीज़ें यार, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा बिहाइंड द सीन बार बार मुझे जाना पड़ रहा है, अदरवाइज़ ये जो चीज़ें होती हैं ना बहुत आसानी से हो जाती हैं। जैसे ये हुआ डिटेल्स, चीज़ें एक बार भरनी है ठीक है सही सही से। और मिस्टेक पता क्या होती है इसमें, मिस्टेक मैं आपको बताऊँ, मिस्टेक ये होती है कि आप जब इन चीज़ों को यहाँ पे करते हैं ना, आप कई बार एक एक वर्ड चेकआउट नहीं करते हैं ठीक है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑप्शनल होता है, अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं होता। देन इसके बाद सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, देन डायरेक्ट यहाँ पे रिडायरेक्ट होगा, और डायरेक्ट आपका जो सेकंड स्टेप है वो प्रोग्रेस में चला जाएगा। लेकिन ध्यान में रखने की एक बात है, यूट्यूब स्टूडियो में आपका वही जीमेल लॉगिन होना चाहिए जिस पे आप अप्लाई करने वाले हैं। समटाइम अगर यूट्यूब में जो यूट्यूब स्टूडियो है अगर उसमें आपने दूसरा जीमेल ओपन करके रखा होगा तो ये वहाँ पे कुछ एरर बताएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो इस चीज़ को चेक करें कि यूट्यूब स्टूडियो जो आपकी एप्लीकेशन है वहाँ पे आप यहाँ पे जो चेकआउट कर रहे हैं कि वही जीमेल आपका ओपन हो जिससे आप एडसेंस में अप्लाई करने वाले हैं अपने ब्राउजर में। तो सेकंड स्टेप इन प्रोग्रेस यहाँ पे जा चुका है, और विद इन 12 to 24 hours के अंदर अप्रूव हो जाएगा जब चीज़ें सही होंगी, और ये हो भी जाएगा। और अपडेट मैं इसका आपको हमारे कम्युनिटी टैब पे दे दूंगा, और इस तरह से आप सक्सेसफुली कर सकते हैं। और इससे पहले हमने बहुत सारे यूट्यूब चैनल up to 100 यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली इसी तरह से खुद अप्लाई किए हैं, और 48 तो मैंने खुद किए हैं जो हमारे फुल मोनेटाइजेशन पैक के अंडर थे। तो ये 49वां यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर हम अप्लाई करने वाले हैं फुल मोनेटाइजेशन पैक के अंदर। सो अगर आपके मन में भी कुछ क्वेरीज, क्वेश्चन, सवाल हों, आप पूछना चाहते हो हमसे, एब्सोल्युटली आप हमारी सौरभ चंदेल में ऐप में जा सकते हैं, सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम, एवरीथिंग, जितने भी सर्विसेज वहाँ पे हैं आप वहाँ पे जाके ज़रूर ले सकते हैं। एंड अभी मम्मी जी को मैं ड्रॉप करके आता हूँ, अदरवाइज बहुत डिले हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और किस तरह से आप हमारी सौरभ चंदेल ऐप का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे एंड स्क्रीन में आपको दिखेगा, तो उसको ज़रूर वॉच करें। एंड प्रेम से बोलें हर हर महादेव, और भगवान आपका ड्रीम पूरा करे, और फटाफट आपका सेकेंड स्टेप हो पूरा। और थर्ड में मैंने आपको दे सेकंड स्टेप में अप्रॉक्स 12 से 24 घंटे लगेंगे, और थर्ड स्टेप में आपको कुछ नहीं करना होता, सेकंड स्टेप जैसे ही डन होगा थर्ड में ऑटोमेटिकली वो खुद चला जाता है और वहाँ पे डन हो जाता है अगर आपका चैनल सही होता है। और थर्ड स्टेप में अप्रॉक्स टाइम लगता है 2 या 3 दिन का, अप्रॉक्स एवरेज बता रहा हूँ टाइम। वैसे यूट्यूब ने एडसेंस के लिए 2 या 3 हफ्ते का बताया होता है, और मोनेटाइजेशन के लिए जो थर्ड स्टेप होता है 1 मंथ का बताया होता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया अप्रॉक्स उतना ही टाइम लगता है। सो एंड स्क्रीन में आपको यहाँ पे देखेगा कि किस तरह से आप हमारी सौरभ चंदेल ऐप का यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ से हमारी सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। एंड लव यू ऑल, जय हिंद, नमः शिवाय।